हेलो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंस्टाग्राम के बारे में। और यहाँ पर इंस्टाग्राम एक नया अपडेट आने वाला है। फेसबुक ने अपनी ऑफिशियली न्यूज़ यहाँ पे दी है और उस न्यूज़ के अंदर एक छोटा सा टीज़र भी आया है इंस्टाग्राम के अपडेट के ऊपर, जहाँ पर आपको मिलने वाले कुछ इंटरेस्टिंग एंड कूल फीचर इंस्टाग्राम में। आने वाले अपडेट में आपको बहुत सारे कुछ चेंजेस इंस्टाग्राम में देखने को मिलेंगे, जो कि आपके बहुत काम आने वाले। शायद आपको इंस्टाग्राम बूस्ट करने में भी कुछ नए ट्रिक्स एंड स्ट्रेटजीज आपको बनाने को यहाँ पर मिल जाएंगी। और इस अपडेट के अंदर काफ़ी ज़्यादा मैसेजिंग और कॉलिंग एक्सपीरियंस काफ़ी बदलने वाला है। तो हम इस वीडियो के अंदर सारे पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं, सारे फीचर्स आपको बताने वाले हैं। कुछ 7 मेन पॉइंट जो इस फीचर जो आने वाले हैं इंस्टाग्राम के अपडेट में, मैं आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, शायद आपके फीचर्स बहुत ज़्यादा काम आ सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फीचर इंस्टाग्राम में आने वाले हैं बहुत जल्दी, क्योंकि आपको मैं एक ट्रेलर दिखाने वाला हूँ। तो गाइस, आप पहले ट्रेलर देख लीजिए, थोड़ा सा ट्रेलर है, इसको देखिए, उसके बाद आपको सारे पॉइंट्स बताने वाला हूँ क्या क्या फीचर यहाँ पे आने वाले हैं। हर एक पॉइंट को मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा और आपको सारे फीचर समझ में आ जाएंगे। गाइस, देखा आपने, एक न्यू एक्सपीरियंस होने वाला है आपके लिए एक मैसेजिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको क्रॉस प्लेटफॉर्म मैसेजिंग करने को मिलेगा। तो गाइस, हमारा पहला पॉइंट यहाँ पर ये है कि आपको क्रॉस प्लेटफॉर्म मैसेजिंग और वीडियो कॉलिंग करने का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। आप एक ही फोन, मतलब आप इंस्टाग्राम के मैसेंजर से काफ़ी जगह, मतलब जैसे फेसबुक है, फेसबुक पर कॉलिंग कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। आप यहाँ के नेटवर्क से, मतलब इंस्टाग्राम से, आप फेसबुक के नेटवर्क पर अपने जो वहाँ फ्रेंड्स हैं वहाँ तक मैसेज कर सकते हैं बिना अपना फेसबुक यूज करें। तो गाइज, ये काफी ज्यादा कूल फीचर है और आपके टाइम को बचाने वाला है, तो टाइम सेविंग फीचर है और साथ में आपका स्पेस, जो फोन में स्पेस है, उसको भी काफी सेव करने वाला है। तो गाइज, हमारा जो सेकंड पॉइंट यहां पर है वो है वॉच टुगेदर का। तो गाइज, आप वीडियो कॉलिंग के थ्रू अपने फ्रेंड के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और इंस्टाग्राम के ऊपर काफ़ी मस्ती कर सकते हैं और यहाँ पे फनी वीडियोस, क्लिप, मोटिवेशन, आपको जो भी कंटेंट देखना पसंद है वो सब मिलके एक साथ देख सकते हैं। और यहाँ पे जो मैक्सिमम पीपल है वो 8 लोग एक साथ एक ही वीडियो कॉल पे जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम के और एक साथ कोई भी कंटेंट देख सकते हैं। तो यहाँ पे वॉच टुगेदर का फीचर काफ़ी ज़्यादा अच्छा और मेरे सबसे पॉपुलर होने वाला है अपनी यहाँ पे सोशल कम्युनिटी के अंदर। तो यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट है वो है कस्टम इमोजीज आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप कस्टम इमोजीज खुद के बना सकते हैं इंस्टाग्राम के अंदर, आपको ऑप्शन मिल जाएगा इस अपडेट के अंदर। आप कस्टम इमोजीज आप बना सकते हैं और यहाँ पे आपको कस्टम इमोजीज पहले से कुछ बने बनाए मिल जाएंगे इमोजीज, आप वहाँ पे जाकर उनको सीधा डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपने मैसेजिंग को काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस कर सकते हैं अच्छे तरीके से। जैसे कि इंस्टाग्राम के अंदर इतना ज़्यादा अभी स्टिकर्स का भी रोल नहीं है, ज़्यादा स्टिकर्स वहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलते, वहाँ पर यहाँ पर स्टिकर का रोल अभी काफ़ी ज़्यादा चेंज होने वाला और आपको काफ़ी सारे स्टिकर यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। तो गाइस, यहाँ पे चौथा फीचर जो है वो है आपका चैट में आप अपनी थीम लगा सकते हैं। आपने व्हाट्सएप में देखा होगा कि आप किसी भी चैट में जाके पर्सनली आप एक नया चैट का बैकग्राउंड या फिर थीम चेंज कर पाते थे, यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम में भी देखने को मिल जाएगा। क्योंकि पहले अभी आप जो इंस्टाग्राम देखते हैं वहाँ पर आपको सिर्फ वाइट बैकग्राउंड और वहाँ पर ज़्यादा कस्टमाइज के ऑप्शन नहीं है, पर अब आपको वहाँ पर कस्टमाइज का ऑप्शन मिलने वाला है। वहाँ पर आप हर किसी के लिए आप कलर चूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर कोई थीम लगा सकते हैं, आप पर्सनल जो अपने टेक्स्ट मैसेज उसका कलर चेंज करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कस्टमाइज करने को जो एक्सपीरियंस है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, यहाँ पे 5वें फीचर की बात करें तो ये फीचर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और कूल है और मुझे ये फीचर काफ़ी ज़्यादा पसंद है। ये फीचर मैंने इंस्टाग्राम में तो फिलहाल हालांकि लॉन्च होने वाला है, बट मैंने ये फीचर पहले से ही देखा है स्नैपचैट के अंदर, जो कि है वैनिश मोड। इस वैनिश मोड में रोल ये होता है कि वैनिश मोड का मतलब ये है कि आपने कोई मैसेज सेंड किया किसी अपने फ्रेंड को मैसेज किया और उसने उस मैसेज को सीन कर लिया, तो यहाँ पे होगा क्या, सीन करने के बाद वो मैसेज जो है वैनिश हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे इस मैसेज का यही रोल है, आपने सामने वाले को मैसेज भेजा, उसने उसको सीन किया और वो मैसेज क्लियर होता गया। आप कितनी भी लंबी चैट करेंगे वो चैट थोड़े टाइम तक रहेगी और उसको सीन करने के बाद वो चैट ऑटोमेटिक डिलीट होती रहेगी। तो काफ़ी अच्छा फीचर है और यहाँ पे नेगेटिव में देखा जाए तो इसकी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रोल भी है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड इंस्टाग्राम पे होता है, तो गाइज उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा और बेनिफिट वाला फीचर होने वाला है। उनको कोई चैट डिलीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सामने वाले के मैसेंजर में से वो चैट ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगी। तो गाइज, वैनिश मोड, इसके अच्छे पॉइंट्स भी हैं और बुरे पॉइंट्स भी। तो गाइज, अच्छे पॉइंट्स तो कम दिख रहे हैं बट बुरे पॉइंट्स में मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा इसका रोल होने वाला है। तो गाइज, यहाँ पे 6
पॉइंट में देखें तो यहाँ पे आने वाला है सेल्फी स्टिकर का एक मोड, जहाँ पर आप अपनी सेल्फी खींच के अपनी सेल्फी का स्टिकर बना सकते हैं और उस स्टिकर को अपने मैसेजिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी कूल फीचर यहाँ पर है कि आप अपने सेल्फी स्टिकर को भी यूज़ कर सकते। तो गाइस यहाँ पे सेवन जो फीचर है वो हमारा आखिरी फीचर है। यहाँ पर इसने एनिमेटेड मैसेज इफेक्ट डालने की कोशिश की है और यहाँ पर जो एनिमेटेड इफेक्ट जो आने वाला है यहाँ पर ये आपको देखने को मिलेंगे। इसके अंदर होगा क्या गाइस, आप कोई भी मैसेज के अंदर कोई भी एनिमेशन लगा सकते हैं, जैसे कि वो मैसेज स्वाइप अप के आ रहा है या फिर कोई बूम वाला मैसेज हो रहा है। लाइक आपने ऐसे मैसेज देखे होंगे जो मैसेज में थोड़ा सा इफेक्ट होता है। ये आपके मैसेजिंग को काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस, आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है क्योंकि ये आपके मैसेजिंग में एक फीलिंग्स डालने का काम करता है। तो गाइस ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा फीचर मुझे लगा। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कौन सा फीचर आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। तो गाइस ये थे कुछ अपडेट जो फेसबुक की तरफ से आने वाले हैं। आपने देखा सभी अपडेट्स को, तो ये बहुत जल्दी अपडेट आने वाला है। तो गाइस इस बार यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलने वाला है कि आपको ये अपडेट चाहिए या नहीं चाहिए, तो यहाँ पर आपको एक्सेप्ट करना होगा। अगर आप चाहते हैं अपडेट को करना तो इंस्टाग्राम में कर सकते हैं। ये कुछ इंटरेस्टिंग फीचर जो मैंने आपको बताए आपको ये नेक्स्ट अपडेट में इंस्टाग्राम के देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे हो सकता है कि मैसेजिंग का पूरा एक्सपीरियंस आपको डिफरेंट मिले, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि इस ऐप को मतलब इंस्टाग्राम के लिए एक नया सा मैसेंजर ही बना दें। तो अभी कुछ कन्फर्म नहीं हो पाया कि इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म में ही ऐड होगा या फिर इसके लिए इंस्टाग्राम का मैसेंजर अलग से निकलेगा। तो गाइस इस चीज़ का कन्फर्मेशन अभी नहीं है, बट ये फीचर, हाँ ये फीचर सारे आपको देखने को बहुत जल्दी मिलने वाले हैं फेसबुक की तरफ से। तो ये फेसबुक की तरफ से कोई छोटा सा टीज़र रिलीज़ हुआ है, तो इसमें आपको सारे फीचर देखने को मिल रहे हैं। तो हालांकि ये कमिंग सून है तो डेफिनेटली ये सारे फीचर आने वाले हैं, बट नहीं पता कि किस तरीके से ये लॉन्च होंगे। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो और ये कुछ इंटरेस्टिंग फीचर और कुछ अच्छी अच्छी बातें। अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको सारी फीचर्स और ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो गाइस मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।